दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी अनजान औरत या फिर अनजान लड़की पसंद आ गई है और आप उसको इम्प्रेस करना चाहते हो तो आप उसको कैसे इम्प्रेस करोगे। हाँ दोस्तों अगर फॉर एग्जांपल ऐसा मान लेते हैं कि आप अगर किसी भी ऑफिस में जाते हो और उस ऑफिस में एक दो दिन हो गए कोई भी अनजान औरत आ गई है और वो आपको पसंद आ गई है और आप उसको इम्प्रेस करना चाहते हो पर उसकी और आपकी पहचान तक नहीं है, यानी कि वो आपको बिल्कुल भी नहीं पहचानती कि आप कौन हो, आप कहाँ पर रहते हो, आप क्या करते हो, आप अंदर से कैसे हो, इस बातों के बारे में उसको कुछ भी घंटा भी नहीं पता, तब भी आप उसको कैसे इम्प्रेस करोगे। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी अनजान औरत को इम्प्रेस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है तो दोस्तों आप घबराइए मत, मैं आपका भाई आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे कुछ तीन चार काम करने के बाद मैं आपको 101% गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आप किसी भी अनजान औरत को चुटकियों में पटा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, पर दोस्तों इसलिए आपको आज का वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले प्रकार का जो काम है जो आपको अनजान औरत को पटाते समय करना है दोस्तों क्या है कि आपसे जितना हो सके उतना आप अच्छा दिखने की कोशिश करो। हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि अनजान औरत जो होती है ना वो आपको अंदर से बिल्कुल भी नहीं जानती कि आप अंदर से कैसे हो, आपका दिल कैसा है, वह आपका फ्रंट यानी कि आप जो सामने दिखते हो उसको देखकर वह आपको जज करती है कि यह बंदा कैसा है। तो इसलिए आपसे जितना हो सके उतना आप अपने अच्छे लुक में उसके सामने जाओ। इससे दोस्तों क्या होगा कि उसके दिल में ऐसा आएगा कि यह बंदा थोड़ा सा हैंडसम है, यानी कि आप दोस्तों मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप उसके सामने स्टाइल मारो। हाँ दोस्तों, और दोस्तों जब आप उसके सामने स्टाइल मारोगे ना तो उसके बाद आप उसके साथ दोस्ती करो यानी कि दोस्तों उसके साथ जाकर बात करो, क्योंकि आप अगर सभी काम करोगे और उसके साथ बात ही नहीं करोगे तो इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो सबसे पहले जाकर उसके साथ दोस्ती करो और दोस्ती जब हो जाएगी ना तो बातों ही बातों में उसको दोस्तों क्या करो कि उसकी तारीफ करो। जी हाँ दोस्तों, पर दोस्तों तारीफ करते समय जो बाकी के पुरुष गलतियां करते हैं वो गलतियां आप दोस्तों बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि बाकी के पुरुष क्या करते हैं कि औरतों की एकदम मतलब चीप तारीफ करते हैं, यानी कि तुम दिखने में एकदम हॉट हो, तुम दिखने में एकदम कड़क हो, आज जो तुमने ड्रेस पहनी है ना उस ड्रेस में तुम एकदम कयामत लग रही हो, यानी कि ऐसी तारीफ दोस्तों बिल्कुल भी मत करो। उसकी दोस्तों सिंपल तारीफ करो कि आज जो तुमने ड्रेस पहनी है ना वो तुम्हारे ऊपर एकदम सूट कर रही है, यह जो कलर है ना वो तुम्हारे ऊपर एकदम मतलब परफेक्ट दिख रहा है, ऐसी उसकी तारीफ करो। और दोस्तों एक बात दोस्तों ध्यान में रखो कि झूठी तारीफ बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि कुछ कुछ पुरुष क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी औरत दिखने में सावली है तब भी उसको ऐसा बोलते हैं कि तुम दिखने में एकदम गोरी हो, यानी कि उस औरत को पता है कि मैं दिखने में सावली हूँ तभी भी वो पुरुष उसको बोलता है कि तुम गोरी हो, यानी कि झूठी तारीफ दोस्तों बिल्कुल भी मत करो। आप सच्ची तारीफ करो, जो वो औरत के अंदर क्वालिटी है उसके ही बारे में आप दोस्तों उसकी तारीफ करो। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों आप क्या करो कि उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट बनाओ। हाँ दोस्तों इमोशनल अटैचमेंट किसी भी औरत को इम्प्रेस करने में बहुत ज़्यादा काम आता है। अब दोस्तों इमोशनल अटैचमेंट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल वो औरत किसी भी प्रॉब्लम में फंस गई, यानी कि ऑफिस में अगर वो औरत है तो वो औरत के ऊपर कोई ना कोई यानी कि उसके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको उस प्रॉब्लम में कोई भी इंसान या फिर उसके कोई भी दोस्त उसको सपोर्ट नहीं कर रहे तो उस प्रॉब्लम में आप उसकी सपोर्ट करो। दोस्तों इससे क्या होगा कि उसको ऐसा लगेगा कि मैं ऐसी ऐसी प्रॉब्लम में फंस गई थी जिस प्रॉब्लम में कोई भी इंसान ने मुझे सपोर्ट नहीं किया पर इस पुरुष ने आकर मुझे सपोर्ट किया, मेरी हेल्प की। तो दोस्तों इससे दोस्तों उसके और आपके बीच में एक इमोशनल अटैचमेंट बन जाएगी और उसके दिल में आपकी तस्वीर छप जाएगी, उसके दिमाग में आप हमेशा रहोगे कि ऐसे ऐसे पुरुष ने मुझे हेल्प की, और दोस्तों वो आपके बारे में बार बार सोचेगी और जब वो आपके बारे में बार बार सोचेगी तो वो खुद आपके प्यार में दोस्तों पड़ जाएगी। यह बात मैं आपको 100% बता रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आज जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।